बनाए हैं तो उसे हमारे साथ लग के हमारी जमीन दीवानी चाहिए या हमारी जमीन को हड़पने की सोचनी चाहिए। बाकी पुलिस वाले तो लेके हमारे ऊपर चढ़ना चाहिए। हम लेडीज थे, हम अपने घर में काम कर रहे थे, हमें पता चला हम खेत में गए थोड़ी बहुत देर, इतने में पुलिस आके तब हमारे और जेपीसी से हमें गाड़ने लगी और हमसे कहने लगी उल्टा सुल्टा, मतलब भाई खंबे खड़ेंगे ये खड़ेंगे। हमारी सास को तकलीफ होने लगी, हमने इनको डॉक्टर के बाहर भेज दिया। और हमारे जो हमारे जितने आदमी है वो बहुत बेचारे शरीफ और सहमत, किसी से आज तक गांव में लड़ाई नहीं झगड़ा नहीं। सरपंच ये कहता है कि मेरे बारे में कोई गांव का एक आदमी बेचा, हमारे बुजुर्ग हैं हम सबके बारे में आप पूछो उसका कैसा। हमारे को अपनी जमीन चाहिए, हम जिस वकील के पास जाते हैं उस वकील को खरीद लेता है प्रशासन से। हम प्रशासन के पास गए, मोहल्ला कलेक्टर के पास हमने एप्लीकेशन दी, हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही। अगर हमारी सुनवाई नहीं तो हमारा सारा परिवार यहीं आत्महत्या कर लेगा और ये सारा दोष हम उसके पूरे परिवार को देंगे, क्योंकि हमारे गाँव में वो गाड़ी लेके ढोलता है। कल को हमारे आदमियों को मारते हैं, हमारे ससुर आते जो दिमागी हालत जिनकी बिल्कुल ठीक नहीं है उसके साथ अगर कुछ हो गया वो इल्जाम लगाता है कि वो ही अपने माँ बाप को मार देगा। करोड़ों की जमीन लेने के लिए वो हम पे इल्जाम लगाता है कि हमें ज्यादा पैसे चाहिए वहाँ की लेडीजों को। हम करोड़ों की जमीन दे के 200 गज की और हम उससे पैसे मांगेंगे। हमारे पास तो इतनी प्रॉपर्टी थी कि नहीं, वो इतना खरीदा, उससे पूछा जाए ना उसने कहाँ से खरीदा है। वो नहीं बनवा सकता कुछ, हमें अपनी जमीन का हिसाब चाहिए, हमें वकील चाहिए, हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही, हमें सुनवाई चाहिए। अगर हम मर जाएंगे जब भी सरकार सुनेगी क्या? एक परिवार बिना बात के जिसमें 15 सदस्य है 18 सदस्य है सारे मौत के घाट उतर गए। जब सरकार जाके जागेगी, ऐसी सरकार मरोल्लाल की को जाए नहीं है, किसी को वोट नहीं देती, जनता अपने घरों में सोती है और मजदूरी करती है। ऐसी जनता के लिए कोई कोई शायद नहीं है। ऐसे सरपंच बनाने से तो ना सरपंच बने तो कुछ तक ऐसा ही है। सरपंच ने 5 साल से चलाया प्रशासन में, वोट खरीद खरीद के उसने वोट डलवाई। ये बताओ हम किसके पास है? सरपंच ने ऐसा करा, जब सरपंच खुद ले सकता है तो सरपंच हम पहले हमारे पर ही सकता है ना। अगर किसी घर का भी नोटिस आता है, घर भी गिरा जाता है तो उसके लिए भी पहले वारंट करते हैं, उसको तहकीकात करा जाता है कि आपको इतने दिन का टाइम दिया जाता है कि अपना घर खाली कर दो, इस पे हमारा कब्जा है। लेकिन सरपंच ने ऐसा कुछ नहीं, ये तो गुंडागर्दी होगी और अभी तो शुरुआत है। हमारे घर में मरेंगे भी और लेकिन मरने के बाद ये जमीन लेगा, हम अपनी जमीन जीते जीते किसी को देंगे ना। मैं छोटे छोटे बच्चे देखो इसको, इसकी चेस्ट खराब है जिसके लिए हमने जमीन बेची। ये हमारे पापा है जो हमारे मेंटली रूप से बिल्कुल मंदबुद्धि है इनकी। छाती देखो इनकी, इसका इलाज नहीं करवा सकते, इसका फायदा वो उठाएगा सरपंच जो सोफे में बैठा के मीडिया से बात करता है, चार आदमियों से बैठा के जिनको जमीन के मैटर के बारे में पता नहीं है। आप सुनना उसकी खबर, उसके पॉइंट नोट करना कि वो बैठ के जो आदमी बैठे हैं उनसे पूछता है, झगड़ा है हमें ये पता है लेकिन ये नहीं पता कि जो हमारे झगड़ा हो रहा है ये जमीन उसने ली है। उसने किसी जो बैठे किसी से ये नहीं बताया कि जमीन के ऊपर मैटर है, मैंने जमीन ले रखी, ये लोग मुझसे इस वजह से झगड़ा कर रहे हैं। वो ये कहता है कि भाई झगड़ा हो रहा है और इसमें तहसीलदार पटवारी का पूरा पूरा साथ है। हम अगर पुलिस वाले के पास भी जाते हैं तो पुलिस वाले भी उनसे मिले और हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही पुलिस वाले।